गुरु बिन ज्ञान नाही, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन सत्य न लखाई, गुरु बिन मिले न मोक्ष। कबीर दास जी ने बहुत सरल तरीके से यह बताया कि गुरु ही सब कुछ हैं, अगर गुरु की कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु के बगैर ना हमारी सत्य से पहचान हो सकती है, ना हमारे दोष मिट सकते हैं, ना ही हमें मोक्ष मिल सकता है। तो बाबा ने डिस्कोर्सेस जो प्रवचन पुस्तक है उसमें वेस ऑफ द मास्टर्स में बहुत सारी बातें बताई कि कैसे गुरु हमसे ज्यादा व्याकुल है हमारे पास आने के लिए। तो डॉक्टर सी डी देशमुख, उन्होंने इस पुस्तक को कंपाइल करने में और उसको एडिट करने में, लिखने में बहुत मदद की थी। उन्होंने एक और छोटी सी किताब स्पार्क करके लिखा था, उसमें एक छोटा सा कहानी आता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो कहानी इस प्रकार से है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं तुम्हें तीन हिदायतें दे रहा हूं, तुम्हें जो एक कार्य करना है तो इन तीन हिदायतों को तुम्हें मानना होगा। कि उसने किसी को कर्ज दिया होता है, वो कर्ज उसको वापस लेके आना है, तो अपने बेटे से कहता है कि तुम जाना, वो दूर गांव में रहता है, तो जब तुम जाओगे तो रात को पेड़ के नीचे मत सोना, पहली हिदायत। दूसरा कि किसी बड़े शहर में मत रुकना, और तीसरा जिससे तुम्हें कर्ज वापस लेना है, कर्ज वापस लेने के बाद उसके घर में मत सोना, लेकिन अगर रास्ते में कोई तजुर्बेकार व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति मिल जाए, वो जो कहे वो मान लेना। तो इसका बेटा जो है वो ऐसे ही सोच के बाहर निकल जाता है, और वो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसको अगले गांव के आसपास एक तजुर्बेकार व्यक्ति मिलता है, बुजुर्ग मिलता है, तो उसको बताता है कि मुझे उस गांव में जाना है, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हैं क्या? तो वो कहता है कि हाँ मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो चलते हैं, तो फिर क्या होता है, रात को सोने का वक्त हो जाता है। तो ये लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने तो बोला था कि पेड़ के नीचे मत सोना। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है नहीं चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू यहां सो जा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो लड़का वहां पेड़ के नीचे सो जाता है। अब क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ था तो ये तो निश्चिंत होकर सो जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक सांप आता है वहां पर। तो क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति जगा हुआ है तो वो इसको उस सांप से बचा लेता है, मगर इस लड़के को कुछ मालूम नहीं। अगले दिन सुबह उठकर वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, फिर रात को रुकने की बारी आती है, तो एक छोटा शहर में उनको रुकना पड़ता है। तो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने तो मना किया। अब देशमुख जी ने इसको कितना अच्छा वर्णन किया, वो कहते हैं कि उनको रुकना पड़ा रात को, तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तो इतने में क्या होता है कि उस जो शहर का जो राजा था वो अपनी बेटी का विवाह किसी न किसी से करता था रोज रात को, और वो शायद उसकी बेटी कोई विचित्र विषकन्या ऐसा कुछ तो भी था, तो जो भी उससे शादी करता था उसी रात को मर जाता था। तो अब इसको मना किया था उसके पिताजी ने, लेकिन क्योंकि ये तजुर्बेकार व्यक्ति उसके साथ था, और राजा जब इसको बंदी बनाकर ले जाता है उसे कुछ बहाना बना के ये दोनों वहां से निकल आते हैं। तो ये लड़का सोचता है कि मेरे पिताजी ने तो दो हिदायतें दी थी, दोनों मैंने नहीं मानी। तो अगले दिन उस जिसके घर जाकर उसे कर्ज वापस लेना होता है, उसके घर पहुंच जाते हैं ये लोग, उससे कर्ज वापस ले लेता है ये। तो वो कहता है कि अब तो शाम हो गई है, आप लोग यहीं सो जाओ। तो अब पिताजी ने मना किया, फिर भी वो सोचता है कि चलो अब तो मेरे साथ ये तजुर्बेकार व्यक्ति कह रहे हैं कि सो जाओ, तो सो जाते हैं यहां पे। वो कहता है कि बाहर सो जाएंगे हम लोग। ये लोग दोनों बाहर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी ठंड लगती है, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है चलो हम लोग अंदर सो जाते हैं। जो इसके जो दो बेटे हैं ना उसको बोलते हैं बाहर सोने के लिए, उन दोनों लड़कों को बाहर सुला के ये लोग अंदर सो जाते हैं। सुबह सुबह हाय तोबा मचती है, बहुत हल्ला होता है। क्या वो आके कहता है कि देखो मेरे दो बेटों को लगता है चोर आए और उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी। लेकिन असलियत क्या था कि ये जो व्यक्ति था जिसने कर्ज वापस दिया, इसी ने अपने दोनों बेटों को मार दिया होता, ये सोच के कि ये दोनों यही सो रहे हैं, क्योंकि उसको पैसा नहीं देना था। तो जब ये लड़का बाहर आने के बाद उसे पूछता है उस बुजुर्ग व्यक्ति से कि मैंने तो अपने पिताजी की तीनों हिदायतें नहीं मानी, मगर तीनों बार मैं तो बच गया, मतलब तीनों बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब वो समझाता है कि जब कोई तुम्हारे साथ होता है, यानी ये जो उसने रोल प्ले किया वो गुरु का रोल प्ले किया, तो जब हम दीन दुनिया के नियमों को कानूनों को देखते हैं, किसी धर्म के या किसी विशेष परिस्थिति के नियमों को हम देखते हैं, वो हम बाबा प्रेमियों के लिए इतना ज्यादा नहीं
असर करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान स्वयं प्रेम अवतार, मौन अवतार, युगावतार का हाथ है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, वो हमारी इतनी मदद करते हैं, इतनी सहायता करते हैं, हर जगह से, हर समस्या से बचाते हैं वो। क्योंकि क्या, जैसे कबीरदास जी ने कहा ना, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अब ये जो संसार रूपी जेल है, इस जेल से मोक्ष कैसे मिलेगा? ऐसे मोक्ष नहीं मिल सकता है। कहते हैं कि एक कोई जेल था शहर से दूर। बाबा ने एक बार, वैसे 1926 में टिफिन लेक्चर्स बुक में इसका प्रसंग आता है, जब उन्होंने पूछा अपने प्रेमियों से, बताओ सबसे बड़ा जेल कौन सा, तो किसी ने बोला अहमदनगर का जेल, किसी ने बोला यरवाड़ा का जेल। तब बाबा ने बोला सबसे बड़ा जेल तो तुम खुद हो, तुम्हारा ये शरीर ही सबसे बड़ा जेल है। तो ये जो छोटी सी बात ये है कि एक कोई शहर से दूर एक बहुत बड़ा जेल था, उस जेल में बहुत सालों से बहुत सारे कैदी थे और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ कि इसके बारे में कोई व्यक्ति था, परोपकारी था, दूसरों का भला करने वाला, उसको पता चला, तो वो जेल में गया और उसने बोला कि अरे ये तो बहुत बुरी हालत में है, ये तो कपड़े भी बहुत गंदे पहन रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं मैं इनको कपड़े दे दूंगा। तो उसको, उन कैदियों को वो कपड़े दे देता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि ये बात जब दूसरे लोगों को पता चलता है, तो एक दूसरा परोपकारी आता है, वो कहता है कि अरे तूने कपड़े तो दिए, देख मैं उन लोगों को जाके ना अच्छा खाना देता हूं, अभी दिवाली आने वाली है, मैं उनको अच्छा खाना दूंगा। तो वो आता है, उन लोगों को अच्छा खाना देने का बहुत इंतजाम वगैरह करता है। ये बात तीसरे को पता चलता है, तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, इनके पास तो पीने का पानी नहीं है, मैं अच्छा कुआं खोद दूंगा इनके लिए। इतने में क्या होता है, एक चौथा परोपकारी आता है, वो जेल की चाबियां लेकर और उन कैदियों का रिहाई का ऑर्डर लेके आता है। और ये जो रिहाई का ऑर्डर लेके आया, यही सबसे बड़ा परोपकारी है, वो रिहा करने वाला है हमारे रहनुमा मेहर बाबा। हमें इस संसार रूपी जेल से रिहा करने के लिए आए हैं मेहर बाबा। ये नहीं कि कोई आए हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी ने अच्छे कपड़े दे दिए, किसी ने अच्छा पानी दे दिया, उस जेल की तरह है। हमें इस संसार से रिहा होना है, इस संसार रूपी जेल से रिहा होने के लिए उनकी कृपा चाहिए। जब उनकी कृपा हम पर बरसेगी, तो वो तो बरस ही रही है, तभी हम लोग यहां पर आज इकट्ठे हुए हैं और हर साल हम लोग बाबा के दामन को और सदृढ़ से पकड़ने के लिए अमर तिथि में जाते हैं, बाबा के कार्यक्रमों में जाते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर विराम लगाऊंगा और बाबा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब बाबा प्रेमी बाबा का दामन और दृढ़ता से पकड़े रहें। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारे जुबान पर उनका नाम होना चाहिए, प्रशांत जी ने भी बड़ा अच्छा बोला कि हम उनको छोड़ना चाहें वो हमें नहीं छोड़ेंगे, इन बातों के साथ कि हम हमेशा उनको याद करेंगे, उनके दामन को पकड़े रहेंगे, उनकी कृपा हम पर रहेगी। अवतार मेहर बाबा की जय।